है दावत में नीला पजामा पहन के, इसके दांत हैं, खुशी खिलाक है, ये खुश हो रहा है, शर्म आ रही है उन्हें। बिरयानी खाओगे निहाल? निहाल निहाल इसको बिरयानी निकाल के दो, बैठो मीठा खाओगे, खाओगे बताओ जल्दी। ये कह रहा है पूरे सामान के साथ भरपूर मीठा खाऊंगा, मुझे कॉकटेल लेना है। प्रीवियस वाले व्लॉग को ही कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पे जो मेरी कज़न आई हुई थी वो रुक गई थी हमारे घर पे, और रात में हम लोग चिप्स निम्बो खा रहे थे और अम्मी हमें पुरानी पुरानी बातें बता रही थी। उसके बाद सुबह में अब्बू ले आए थे हलवा पूरी पराठा, और ये बहुत ही मज़े का था, और ये खाते हुए भी ना पुरानी बातें डिस्कस हो रही थी कि नानी के सब रुकने जाते थे, बड़ा मज़ा आता था। मैं तो इतना नानी के नहीं रुकी, लेकिन हाँ अकेले नहीं रुकी, अम्मी के साथ रुकती तो ये होता था, नानी ना सुबह में पंखा बंद करके सबको उठाती थी और कहती थी लाइट चली गई, तो वो सारी बातें सब डिस्कस कर रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पे। और आज जाना था हम लोगों को नानी के ही घर पे, तो रानिया की मेहंदी रह गई थी तो अम्मी रानिया की मेहंदी लगा रही थी, मेहंदी ये बन गए रानिया के बाद, ये हो गया रानिया का मेकअप, और यहाँ दूसरे हाथ पे लग रही है मेहंदी। जाना हम सबको सेम जगह था नानी के घर पे, लेकिन कज़न को दोपहर में खाला क्या जाना था, रात में नानी के आना था, तो वो पहले चली गई अभी दोपहर से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो मैं उठ गई हूँ, मतलब शाम वाला उठी हूँ, सुबह वाला तो हलवा पूरी वाले नाश्ते पर मैं उठ ही गई थी ऑलमोस्ट, और जी ये हो रही है शाम का टाइम है, पानी घर में पीने का बिल्कुल एंड हो चुका है, पानी नहीं है बिल्कुल, सब खाली हुआ हुआ है, कूलर भी बिल्कुल खाली है, बड़ी मुश्किल से कूलर से मैंने इतना सा पानी निकाला है जैसे मैंने चाय बनाई है। वहाँ पर जब तक हमारी चाय बन रही है, सबसे पहले मैं पढ़ लेती हूँ नमाज़, क्योंकि ना अभी बज रहे हैं 6, तो अभी असल में टाइम है, पहले मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद क्या करना था, नमाज़ पढ़ती हूँ, चाय पीती हूँ, फिर अम्मी और अपने कपड़े प्रेस करती हूँ, दैन फिर हम जाएंगे नानी के घर, बेसिकली नानी का घर, अब लाइक मामू का घर, तो जो है सब वहाँ पर मिलेंगे सारी कज़न्स, तो बड़ा मज़ा आएगा। ये हो गई है मेरी चाय, और थोड़े से मैंने चावल भी गर्म कर लिए ताकि अम्मी और मैं थोड़े से चावल भी खा लें। अम्मी 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 उठ जाएँ अम्मी, ये देखें मैं आपके लिए चाय लाई, अम्मी के कपड़े प्रेस, ये साया का ड्रेस था और बहुत ही प्यारा है ये, इस तरह से अम्मी ने ना इसके दुपट्टे पे ये पीको करवाई हुई है, बड़ी अच्छी से, इतना ज़बरदस्त इसका कपड़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी ये इस तरह से इसकी शर्ट है, अम्मी जब वेयर करेंगी ना देन मैं इसकी फुल लुक दिखाऊँगी, और मैं पहनूँगी अपना ये वाला ड्रेस, ये बिल्कुल जेट ब्लैक कलर की शर्ट है, वीडियो में थोड़ी ग्रेश ब्लैक आ रही है, और बाकी इस तरह से इसकी नेक एम्ब्रॉयडर्ड है, स्लीव्स पे ऑर्गेंजा है, दामन पे ऑर्गेंजा है, दुपट्टा शिफॉन एम्ब्रॉयडर्ड है, और प्लेन ब्लैक में इसका ट्राउज़र है। तो चलो जी जल्दी से हम पहले पढ़ते हैं मगरिब की नमाज़, फिर वेयर करेंगे ये ड्रेस और जाएंगे नानी के घर। और बाकी ये मेरे पास हेयर स्ट्रेटनर है, बेहतरीन है, इसके रिजल्ट्स, इससे स्ट्रेट करो तो काफ़ी टाइम रहते हैं स्ट्रेट, और ना आप बेशक कोई सीरम वगैरह अप्लाई करो, सीरम के बाद तो शाइन आती है, लेकिन एक वैसे भी ना इससे पता नहीं कुछ अलग ही है, बहुत अच्छे स्ट्रेट होते हैं, शाइनिंग बहुत अच्छी आती है, हेयर्स पे टेम्परेचर आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं ईजिली, तो मेरे पास फ्लिप्स वगैरह इन सब के भी हैं, लेकिन जो है ना ये वाला बहुत बेस्ट है। वैसे तो मैंने 2 ईयर्स से अपने ईयर्स स्ट्रेट नहीं किए, लेकिन ये मेरे पास कोई 4 साल से तो है, तो ये पहले जो मैं करती थी ना तब का भी बता रही हूँ, और अब मैं 2 साल बाद स्ट्रेट कर रही हूँ, और ये गैप मैंने क्यों किया था ये भी मैं वैसे आपको अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। खाओगे बताओ जल्दी। ये कह रहा है पूरे सामान के साथ भरपूर मीठा खाऊंगा, मुझे कॉकटेल क्या नहीं खाएगा बताओ, इसको खाएगा ये ऐसा डीजे बिल्कुल। व्लॉग बन रहा था तो आप भी आई हैं।
और यहाँ मेरी कज़न अपने मोहल्ले से बच्चों को पकड़ पकड़ के ला रही थी और उनको गर्मी लग रही थी और बेचारी हवा भी चल रही थी क्योंकि लाइट नहीं थी। और खैर इन्हीं के घर पे हमारी दावत थी और लाइट नहीं भी थी ना तो लेकिन फील ही नहीं हो रहा था, सबके साथ इतना मज़ा आ रहा था। खैर फिर मामू यहाँ पे गोलगप्पे ले आए थे और हम सब ने करी गोलगप्पा पार्टी, जो कि बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। और गोलगप्पे इतनी स्पीड में सब ने खाए, फौरी ख़त्म हो गए थे। और बस यहाँ पर हम सब ना नानी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे क्योंकि नानी के बाद हम सबकी पहली इतनी 2 ईयर्स से तो नहीं सेलिब्रेट हुई थी, तो बस यहाँ पे सब एक साथ इकट्ठे हुए बहुत ज़्यादा नानी को मिस कर रहे थे। और ईदी का जब ईदी डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम होता था ना तब बहुत शोर शराबा हम सब करते थे, और भी बहुत सारे कज़न्स होते थे, कोई कहीं चला गया, किसी की कहाँ शादी हो गई है सब। तो फिर यहाँ पे खैर खाना भी लग गया था और बिरयानी बहुत मज़े की थी, बिल्कुल जो जूसी घीली घीली बिरयानी होती ना मुझे बहुत पसंद है, तो उसी टाइप की बिरयानी थी। और जो है यहाँ पे फ्रूट कॉकटेल था, खाना बहुत ज़बरदस्त था। खुशी खिलाक है, खुश हो रहा है, शर्म आ रही है उन्हें। बिरयानी खाओगे निहाल? निहाल निहाल इसको बिरयानी निकाल के दो, बैठो। चमचा चावल खिलाओ, लाओ चमचा दो, एक चावल भर के जरा से चावल लाओ। ये आया है दावत में, आ करो। हाँ कह रहा है बहुत शुक्रिया, बहुत मजे की बिरयानी। क्या हो गया? दांत बनने होंगे वो भाई, वो फिर भी हंस रहा है। पानी मांग रहा है, पानी दो, पानी दो इसको, लो ये लो बोतल। ईद में लो लाओ, ये लो फायका का, ये फायका, ये लो। अस्सलाम वालेकुम मामा, कह रहे मेरे मामा ये ईद ही मांग रहा है। क्या हुआ? ये ईदी मांग रहा है। अस्सलाम को देख रहा है। ये ले वाह भाई वाह, ईदी बट रही है। महक बाजी वो देख रहा है। आए हाय तुम्हारा तो मुझे याद ही नहीं था। ये ले लो, ये वाला नोट नहीं लेता। अभी भी ईदी मांग रहा है। ये 100 मांग रहा है, 100 रुपए। वो मेरा नोट भी देख रहा है, झांक कैसी रहे वहाँ से झांक रहा है, लेकिन मैं दूंगी नहीं। तुम्हारे नाना ने दिए, नानी ने, नानी हुई ना आपको 200 रुपए किसने? भाई नानी ने मुझे दिए। किसकी? ये मुझे किसने दिए? ईद के पहले दिन मिले थे।